मैं और क्या पूछूं उनसे, आप लोग पहले वीडियो तो देखिए जाके। नादिया खान और शर्मिला फारूकी की लफ्ज जंग हकीकत का रूप धार गई। कौन होगा कामयाब, शर्मिला फारूकी या नादिया खान? दोनों ने एक दूसरे को ललकार दिया। शर्मिला अपनी बात पर डट गईं, साइबर क्राइम का दरवाजा खटखटा दिया। नादिया ने भी आस्तीनें चढ़ा ली और शौहर के साथ मैदान में। अब मुकाबला होगा डंके की चोट पर। जी हाँ, शर्मिला फारूकी ने नादिया खान के खिलाफ साइबर क्राइम में शिकायत दर्ज करवाने के बाद उन पर केस कर दिया, जिसकी तस्वीर उन्होंने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर करते हुए कहा कि बिस्मिल्ला, नादिया खान के खिलाफ ऑफिशियली शिकायत दर्ज करवाते हुए। नादिया खान ने अपने शौहर फैसल के साथ मिलकर एक वीडियो पैगाम जारी किया, जिसमें उन्होंने इस वाक्य की वजाहत करते हुए कहा कि अगर शर्मिला को इस वीडियो में कुछ बुरा लगा था तो वो डायरेक्ट मुझसे रابطہ करती, मैं फौरन वीडियो डिलीट कर देती, लेकिन यहाँ उनका मकसद मेरा नाम इस्तेमाल करके सस्ती शोहरत हासिल करना था। मैं आज भी इस बात पर कायम हूँ कि मेरा मकसद किसी की दिल आजारी करना नहीं था, मैं तो बस अपना वीलॉग बना रही थी और शादी का इवेंट कवर कर रही थी। वीडियो में अल्फाज देखिए जो मैंने किसी के लिए, अगर उनके लिए इस्तेमाल किए हैं, उसमें एक ऑफेंसिव वर्ड आप उसमें से ढूंढ लेंगे, ये लफ्ज खराब। इस वीडियो में किसी को ऐसा कुछ बुरा नहीं लगा, लेकिन शर्मिला फारूकी को बात का बतंगड़ बनाने का मौका मिल गया। अब देखना ये होगा कि इस तमाम वाक्य के बाद ये जंग जीता कौन है, नादिया खान या शर्मिला फारूकी। मजीद वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल लाइव 707 के साथ।